दोस्तों अगर आप बीकेएल राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। आइए आपको बताते हैं दूसरी इनिंग की हाईलाइट कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स के 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स टीम। दोस्तों नए कप्तान वार्नर आए बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही इन्होंने अच्छी शुरुआत भी दी। शुरुआत धीमी मिली दिल्ली कैपिटल्स को, लेकिन पहले विकेट पृथ्वी शॉ के रूप में गिरी जो इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। मार्क वुड के अंदर आती हुई गेंद पर और चारों खाने चित होकर रह गए। 12 रन बनाकर पृथ्वी शॉ आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए मिचेल मार्च आते ही, वो भी 0 रन बनाकर, जो कि बड़ा झटकादार दिल्ली कैपिटल्स को 2 विकेट एक ही ओवर में गिरी। उनके बाद सरफराज खान भी पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में अपने बल्ले का एज ले बैठे और काइल मेयर्स ने शानदार कैच लपक ली। 4 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते सरफराज आउट हुए। 200 के बाद इस तरह से राइली रूसो अपने बल्ले का एज देकर कीपर को कैच दे बैठे और रूसो भी 30 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। 200 के बाद रोमन पोवेल आए डेविड वार्नर के साथ बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आते ही ये भी बिश्नोई की इस गेंद पर इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हुए मात्र 1 रन बनाकर। ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी दिल्ली की टीम। 200 अमान भी इस तरीके से गेंद का बल्ले गायब से बैठे और आउट हुए। 200 के बाद डेविड वार्नर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक तक पहुंच चुके थे, लेकिन इनकी पारी धीमी थी, प्रेशर काफी ज्यादा हो रहा था। 56 रन बनाकर डेविड वार्नर आवेश की इस गेंद को छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े फील्डर को कैच दे बैठे और पूरी उम्मीद टूट गई दिल्ली की, क्योंकि यहीं पर वार्नर की पारी समाप्त हुई 56 रन पर। पूरे बल्लेबाज पवेलियन पे थे 113 रन पे और टारगेट 190 रन का था, जिसके चलते दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गई। अंत में अक्सर भी इस तरीके से 16 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए और अंत में आकर लखनऊ की टीम ने 50 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, 143 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम 9 विकेट खोकर, जिसके चलते लखनऊ की टीम ने 50 रनों से आईपीएल 2023 का अपना पहला मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आप लखनऊ की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। अगर आप बीकेएल राहुल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2023 का तीसरा मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें, डेविड वार्नर और केएल राहुल आमने सामने आए टॉस के लिए। दोस्तों डेविड वार्नर जो कि नए कप्तान है, उन्होंने शानदार तरीके से टॉस जीता और टॉस जीते ही सबसे पहले उन्होंने गेंदबाजी को चुना। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना है। दोस्तों ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू हुई। लखनऊ सुपर जायंट्स में नए सलामी बल्लेबाज आए हैं क्विंटन डिकॉट की जगह केएल राहुल और काइल मेयर्स, जो कि वेस्ट इंडीज के एक ताबड़तोड़ ऑलराउंडर हैं। दोस्तों दोनों के बीच में शुरुआत धीमी हुई, जहां केएल राहुल भी टच एंड बॉल खेल रहे हैं तो काइल मेयर्स भी वैसे ही खेल रहे हैं। दोस्तों लेकिन उसके बाद केएल राहुल की पहली विकेट गिरी। दोस्तों इस तरह से केएल राहुल चेतन सरकारिया की गेंद पर डीप मिड विकेट पर अक्षर पटेल को कैच दे बैठे और 8 रन बनाकर कप्तान राहुल आउट हुए। दोस्तों उनके बाद दीपक हुडार काइल मेयर्स बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ खतरनाक वेस्ट इंडीज के खतरनाक बल्लेबाज काइल मेयर्स ने वेस्ट इंडीज की तरह ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और देखते ही देखते मात्र 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों उसके बाद भी इनके छक्के मैदान पर रुक नहीं रहे थे। 207 छक्के लगा दिए, 2 चौके लगा दिए काइल मेयर्स ने, 73 रन पर पहुंच गए मात्र 38 गेंदों पर। लेकिन 38वीं गेंद पर अक्षर पटेल की इस तरह से बोल्ड होकर रह गए, एक शानदार पारी का अंत हुआ। काइल मेयर्स खतरनाक पारी खेलकर अपने डेब्यू मुकाबले पर 73 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 के बाद दीपक हुडा भी 17 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते कुलदीप यादव की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। 200 के पास स्टॉइनी आए, लेकिन ये भी 12 रन बनाकर खलील अहमद की इस गेंद पर सरफराज को कैच देकर आउट हुए। 200 कृणाल पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ बल्लेबाजी करने आए निकलस पुरान, और निकलस पुरान ने ताबड़तोड़ अंदाज में 36 रनों की शानदार पारी खेली 21 गेंदों में। कृणाल पांड्या ने 15 रनों की पारी खेली 13 गेंदों में, जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 153 रन लगा दिए 6 विकेट के नुकसान पर और दिल्ली कैपिटल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए टारगेट दिया 154 रन का। दोस्तों आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए।